हिंदुस्तान में आदमी को उदास देख लो तो बात होगी टेंस की, और किसी का आईक्यू समझ जाओ तो बात होगी सेंस की। संजय भाई साहब सुनना, किसी को उदास बैठो तो देखो बात होगी टेंस की, किसी का आईक्यू देखना चाहो तो बात होगी सेंस की। चांद पे रूस जाए चाहे अमेरिका, पहली बैंक होगी आयू फाइनेंस की। हाँ संजय भाई साहब मेरे को बड़ा, मैं इनको बहुत मानता हूं। सेटिंग अनुराग भाई साहब का भी बीच में काम पक्का हो गया है। मैं अनुराग भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लीजिए, अच्छा कहीं ज्यादा मैं बहुत बार अलवर आया भी हूँ, लाफ्टर के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना होगा, राजू श्रीवास्तव नाइट में भी सुना होगा। ज्यादा कुछ बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी आजकल। सर 2000 के बाद में बच्चे पैदा हो ही कहाँ रहे हैं, सारे बाप ही पैदा हो रहे हैं अब तो। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों को आजकल, कुछ भी मत कहो। SMS के बच्चे हैं, चैटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके बच्चे हैं। बेटा बेटा बोला, पापा आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा ये क्या बदतमीजी, उन्हें बताओ ना हो ही गई क्या? मैंने कहा हो गई। बोले किससे हुई? मैंने कहा तेरी माँ से। बोले अच्छा, घर की घर में ही से लट गए? नहीं मैं सही करूं कि भाई जी, बच्चों से कोई प्रश्न ही नहीं करना। मेरे बेटे से कर दिया, मैंने कहा ऐसा कुछ कर यार जिससे सर ऊंचा हो जाए, रात को 2 तकिए लगाना मेरे नीचे। अच्छा बाबाओं की बात चल रही थी सर, इतनी जल्दीबाजी है रजत सर। एक आया मेरे पास में, बोले अंकल जी बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। मैंने कहा तकलीफ बता क्या है? बोले कुछ नहीं, घर के मंदिर में राम रहीम की फोटो लगा रखी है। मैंने कहा बेडरूम में लगा ले। बोले नहीं सर, वहां हनीप्रीत की लग रही है। मैंने कहा बाथरूम में टांग ले। बोले नहीं वहां नारायण साईं की ऑलरेडी है। नहीं मैं नहीं कहूंगा ताली वाली बजाओ। हाँ ये सच है कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद का मतलब भी ताली होता है, मैं जानता हूं। हाँ जिसकी दुकान में बढ़िया माल होता है बिकता ही बिकता है। हमारे यहाँ तो कहावत है, पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन में कहावत है, जिसने जयपुर का मामूर पढ़ लिया वो ब्रांडेड है। तालियां बजनी चाहिए मेरी बात पे, ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ तो काम तालियां, जिसकी दुकान में बढ़िया माल होगा बिकेगा ही बिकेगा, जिसको AU फाइनेंस से लेना है तो वो लेगा ही लेगा। भले कितने ICICCCCC होते रहो और बाद में सूसू करते रहो। मैंने कहा यार ड्राइंग रूम में लगा ले। बोले नहीं वहां सनी लियोनी। अच्छा पूछने की एक आदत, मैं गजेंद्र तुम पहली बार सुन रहे हो मेरे को, दिनेश तुम भी। सर संजय भाई साहब ऑब्जर्वेशन देखना, मतलब कोई चुटकुला नहीं है, कोई कुछ नहीं। अनुराग भाई साहब 2 मिनट, अनुराग भाई साहब सुनिएगा, कोई चुटकुला नहीं। पूछने की एक आदत होती है ना, भी शादी में भी जाओ तो और क्या क्या मिठाइयाँ थी, और 4 सब्जियां थी, 5 मिठाइयां थी, ये था वो था वो था, पूछना। अब जैसे रजत गए दुबई, दुबई से गए बैंकॉक, अब संजय भाई साहब भी बैंकॉक गए, 10-15 दिन बाद आए, अब अखिल मोदी मिल गए, अब इनको पूछना। अब स्टाइल देखो पूछने की आदमी की। ओ संजय जी बैंकॉक, अब 50 आदमी में पूछ रहा है अखिल मोदी संजय अग्रवाल से, स्टाफ अलग खड़ा। क्यों संजय जी बैंकॉक? अब संजय जी भी, अब अखिल मोदी फिर दूसरा प्रश्न देखो पूछना। अब संजय जी शर्मा के,
ये पूछना, अच्छा लगा तो ताली बजा दे रहा हूँ, केवल पूछना है। मैं भी स्टेशन गया, अखिल भाई साहब कोई चुटकुला नहीं, स्टेशन गया एक मिल गया, बोले कैसे, मैंने कहा ऐसे ही, बोले स्टेशन पे भी, मैं कहने यार मैसेज को छोड़ने आया हूँ, कहाँ जा रही है, मैंने कहा आपको तकलीफ, बोले मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा दिल्ली, बोले अच्छा अपनी मैसेज दिल्ली की है, मैंने कहा अपनी, अपने अनुराग मोदी हो सकते हैं, अपना अखिल मोदी हो सकता है, अपने संजय अग्रवाल हो सकते हैं, अपने तिवारी जी हो सकते हैं, मैंने कहा तो पर्सनल है यार, बोले मैं तो ऐसे ही पूछ गया, मैंने कहा तेरे ऐसे में 50% की पार्टनरशिप हो जाती तो कुछ नहीं, बहुत कम समय, समय कम मिला है, 3 ओवर है, हाँ बेटा चाय पिलाते रहो, नहीं दिक्कत ये मैं बामन का बेटा हूँ, खाता पीता देख नहीं सकता किसी को, नहीं वास्तव में मैं तो कल सुबह मैं सिविल लाइन चला जाता हूँ, मैं शिवाजी नगर तो अनुराग भाई साहब के घर गया, मैंने कहा बहुत अच्छा कविता, मैं नुआ लोग बड़े भाई बेटा, चाहे ब्राह्मण के हो चाहे काऊ के हो आप, लेकिन चाय वाली तो कुछ मत कहो, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, और ज्यादा प्रधान प्रधानमंत्री भी मत करो, क्या मालूम कब चाय वाला बन जाए, तालियां बजाओ पीछे करके लोग, जाओ जाओ बाबा, तो मैं सुबह सुबह, अच्छा वो आदत है, मैं अनुराग भाई साहब के घर गया सुबह सुबह, जाके भाभी ने रसमलाई गुलाब जामुन कचौरी वगैरह सब, मैंने कहा भाभी आप तो मेहमानों की बहुत इज्जत करती हो, बोली बोले बेटा कुत्ते की भी इतनी, मैं समझ गया इनके कुत्ते का भोजन है, मैंने कहा इनके कुत्ते का भोजन मैं खाऊंगा तो इनके कुत्ते के लिए जरूर कुछ ना कुछ इंसानियत के नाते तो लाऊंगा, मुझे पता नहीं इतना डरा रखा है दुकानदारों को इन्होंने, मैंने कहा अंकल जी कुत्ते के खाने की बिस्कुट है क्या, बोले यही खाएगा या फिर ले जाएगा, आपने जयपुर में देखा हुआ हवामहल, मैं अखिल भाई साहब खड़े हुए तो एक अंग्रेज आया मेरे को देख के बोला इंडिया में बहुत अकाल पड़ता है, निगाह पड़ गई अखिल मोदी की तरफ, बोले अब समझ में आ गया है, कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं छोटी सी, देश में फेस्टिवल मनाए जाते हैं रजत सर अखिल भैया, मैं दो फेस्टिवल से थोड़ा सा परेशान हूं, संजय भाई साहब आप भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, मंच भी करेगा लोकेश, शायद दो त्योहार आए दिन फेस्टिवल आ रहे हैं आजकल, दो फेस्टिवल मुझे पसंद नहीं आते हैं, शायद आप लोगों को आते हो नहीं आते हो, मदर्स डे और फादर्स डे, जिनकी 365 दिन पूजा करनी चाहिए उनके लिए मैं समझता हूँ दो दिन काफी नहीं होते दुनिया में, गम की चोटें जख्मों पर फोला अखिल मोदी क्यों करवाता है ये कार्यक्रम, किस लिए इसके मन में जागी, बहुत बड़ा व्यापार है पूरा हिंदुस्तान है, क्यों करवाते हैं, क्यों लालसा जागी, पिता के प्रति श्रद्धा क्यों जागी, गम की चोटें जख्मों पर फोला से ज्यादा क्या होगी, मम्मी बैठी हुई चरण चरणों में पंक्तियां समर्पित करता हूं, गम की चोटें जख्मों पर फोलाद से ज्यादा क्या होगी, गम की चोटें जख्मों पर फोलाद से ज्यादा क्या होगी, माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी, फेस्टिवल रोज डे, चॉकलेट्स डे, किस डे, फिक्स डे, मिस डे, एक और कौन सा, नहीं जी इसको कहते हैं वीर पुरुष, लुगाई साथ होगी नहीं इसकी, वैलेंटाइन डे, उधर देख लो अखिल मोदी को पीछे से, ये पहलवानी वही दिखा सकते हैं जिसकी लुगाई साथ नहीं हूं, वैलेंटाइन डे मैं जानता भी नहीं था रहा हूं, वैलेंटाइन संजय जी मेरी शिक्षा भी ऐसी नहीं हुई, वैलेंटाइन डे क्या, मैंने रजत जी को फोन किया, मैंने कहा बॉस ये वैलेंटाइन डे क्या होता है, बोले कुछ नहीं प्रेम चौरस, मैं कहा थोड़ा सा मेरा सही बताओ, बोले यार संजय जी से पूछ,
मैं संजय भाई वैलेंटाइन डे क्या होता है? बोले कुछ नहीं, कुंवरों की आका तीज। मैं तो सही बताऊं ना संजय भाई साहब? बोले कुछ नहीं, प्यार का एक दिन। मैंने कहा प्यार का एक दिन? मैंने कहा बाकी 364 दिन भरतरी पढ़ रहे हैं क्या? प्यार 365 दिन करो ना, हमारे बाप का राज है। आइए सर, चीफ गेस्ट लेट ही आते हैं। नहीं, कुछ तो फ्री होकर के भी आते हैं, घर से काम काज करके खाना वाना खा के चलो। जय नहीं, नहीं सर, मेरे को आपके बारे में तो ज्ञात था, आप कितनी बार घर जाके आ सकते हैं, तो आप में मेरे को आत्मविश्वास झलक रहा है। अब वो वैलेंटाइन डे मैं जानता नहीं था। बोलो 364 दिन प्यार करो, 365 दिन क्यों नहीं करें? ये बोले नहीं बेटा, इस दिन प्रेमी प्रेमिका को फूल देता है। मैं कहा आपकी बात मैं भी दूंगा। संजय जी बोले तेरे से लेगी कौन? इनकी भी गलती नहीं, पिताजी को पता नहीं बारात आएगी कि जाएगी। इन्होंने प्लास्टिक का दे दिया। मैं कहा भाई साहब गुलाब का दो। बोले दिन भर लेके घूमेगा, कोई लेगी नहीं, पत्तियां जल जाएगी। वो प्लास्टिक का फूल लेके दिन भर घूम लिया, रात के 2 बज गए, होप सर्कस में वो मिल गए। मैंने एक को टिका दिया। बेटा सुन के बोला, बोले गुरु ये तो नकली है। मैंने कहा तू कौन सा असली है? लीजिए 4 लाइनें सुनिएगा। हर रर धक धक करने लगा, नीरव डरने लगा, PNB घोटाले में मकड़ी फंस गई जाले में, धक धक करने लगा। होली का सीजन है, मैंने कल्पना की कि सारी महिला नेता अटल जी के गुलाल लगाने गई है, और क्या कह रही है? सबसे पहले सोनिया जी पहुंची और क्या कहा? ये गुलाल है विदेशी, लगवा लो बाबू देसी, लाई हूं मैं देखो इसको बड़ी दूर से, लाई हूं मैं देखो इसको बड़ी दूर से। बोले छेला अटल बिहारी, सुन ले इटली की पिचकारी, रंग डालो ना हमारे पे विदेश का, रंग डालो ना हमारे पे विदेश। उमा भारती गई, अटल जी ने गुलाल लगाने से मना कर दिया। वो नाराज रहती, हमेशा गुस्सा रहता है। उमा भारती ने क्या कहा? लगे आपको उमा भारती की बात है तो पीछे तक के लोग मस्ती लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। अगर रंग लगवा लो तो गुस्सा छोड़ देंगे हम, पार्टी में फिर से आगे सबसे रिश्ता जोड़ करके हम। अगर रंग लगवा लो तो गुस्सा छोड़ देंगे हम। जयललिता आई और अटल जी बोले, गोरे गोरे हाथों में कौन सा गुलाल है, हमको पटाने की कौन सी ये चाल है, तू भी कुंवारी है मैं भी कुंवारा, दोनों की उम्र लगे देखो 16 साल है। अटल जी ने क्या जवाब दिया होगा? सुनो ब्रह्मचारी जी, सिर्फ ये गुलाल है, सत्ता का सिर गठबंधन की चाल है, मैं भी तुम्हारी हूँ तुम भी हमारे, पैकिंग पुरानी पर नया नया माल है। मायावती गई, अटल जी बोले तुम तो ठहरे बस पाई, रंग क्या लगाओगे? तुम तो ठहरे बस पाई, रंग क्या लगाओगे? रंग के बहाने फिर चूना तुम लगाओगे। एक नेता को देखा तो ऐसा लगा जैसे धतूरे का फूल, जैसे जंगली बबूल, जैसे काजल और कूल, जैसे जंगली बबूल, जैसे ठेके कमाल, जैसे
कुत्ते की पूंछ जैसे, यक्कू की मूंछ जैसे, लेबल सही हो फिर नकली दवा हो। एक नेता को देखा तो ऐसा लगा। धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली हो जाइए पूरे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद।